और सीधे अब आपको बिहार के पूर्णिया लेके चलते हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मिनिमम आमदनी लाइन, समझ गए, मिनिमम आमदनी लाइन मतलब कम से कम आमदनी वाली लाइन हम बना देंगे, इतने रुपए की हिंदुस्तान में कम से कम आमदनी होगी, ठीक है। अब जो भी उस लाइन से नीचे है, चाहे वो युवा हो बुजुर्ग हो, जो भी उस लाइन से नीचे है ना, उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी सीधा पैसा डाल देगी। हिंदुस्तान की मिनिमम कम से कम आमदनी लाइन के नीचे हम एक बंदे को नहीं छोड़ेंगे, एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो मिनिमम आमदनी लाइन से नीचे होगा, खत्म कहानी। नीरव मोदी को पैसा दोगे, पीएम मोदी को पैसा दोगे, नरेंद्र मोदी को पैसा दोगे, ठीक है, हम किसानों को पैसा देंगे, मजदूरों को पैसा देंगे, युवाओं को पैसा देंगे, छोटे दुकानदारों को पैसा देंगे, चलो जो करना है। तो मिनिमम आमदनी की लाइन हमने बना दी है, 2019 के बाद बैंक अकाउंट में सीधा पैसा शुरू हो जाएगा। अब आप कहोगे नरेंद्र मोदी ने भी वायदा किया था, अब आप कहोगे नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था, अब राहुल गांधी वायदा कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, अब आप मेरे सब भाषण सुन लो, 15 साल से मैं भाषण दे रहा हूं, एक भाषण में मेरा झूठ निकाल के दिखा दो, मुझे एक झूठ दिखा दो। मैंने आपसे कहा था कर्जा माफ होगा, 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। मैंने आपसे कहा था रोजगार देंगे, मनरेगा पूरे देश में चला दिया। मैंने कहा था आपसे जमीन नहीं छीनी जाएगी, जमीन अधिग्रहण बिल हम ले आए। मैंने मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ की जनता से कहा था आसमान फट जाए, सूरज ना आए बाहर, मैं कर्जा माफी करके दिखा दूंगा, कर दिया। तो ये तो गारंटी लेके करो कि आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम आमदनी का पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब मैं दो समस्याओं के बारे में बोलना चाहता हूं जो सबसे जरूरी है, सबसे बड़ी मुश्किल हिंदुस्तान के सामने, और ये तो पूरी की पूरी नफरत नरेंद्र मोदी फैला रहा है, जहां भी जाता है नफरत फैलाता है। इसका ये कारण है कि हिंदुस्तान में युवा बेरोजगार है। 56 की छाती ने वायदा किया था कि युवाओं को वो रोजगार देगा, और उसने फ्लॉप पिक्चर चलाई 5 साल वही फ्लॉप पिक्चर आप देखते, मन की बात 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 सुन सुन के थक गए आप लोग, जैसे कि जो आप कर रहे हो, यहां पे आप गए पिक्चर देखने, गए आप अंदर गए बैठे, 2 घंटे आपने पिक्चर देखी, बेकार पिक्चर थी, आप बाहर आए आपने कहा फ्लॉप पिक्चर थी, आपके दोस्तों ने आपसे पूछा आपने कहा फ्लॉप पिक्चर थी, बेकार पिक्चर थी। अब देखो मुसीबत, वही पिक्चर आप 5 साल से हर रोज देख रहे हो, दिन भर वही पिक्चर, मन की बात मन की बात मन की बात मन की बात मन की बात, पता नहीं कहां देखे भैया, ये आ गया प्रेस वाले सब बिक गए, डर गए, दिन भर ये उनकी बात करते हैं, दिन भर राफेल मामले में डिफेंस मिनिस्ट्री के गाले जाते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने कहा है चौकीदार चोर है, मीडिया वाले उठाते नहीं, मीडिया वाले उठाते नहीं, देखो मुस्कुरा रहे यहां पे, बोले तो हंस रहे हो, अरे भाई हम समझते हैं आप लोग गए हुए हो, अमीरों का चौकीदार मारेगा मैं समझता हूं, मगर डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो रोजगार के बारे में मैं बोलना चाहता हूं, देखिए यहां पे आपने माला पहनाई मुझे, हर सिनेमा हॉल में आपको पॉपकॉर्न मिलता है, लोग पॉपकॉर्न खाते हैं ना, पॉपकॉर्न बिहार में खाते हैं, दिल्ली में खाते हैं, हर प्रदेश में खाते हैं, अमेरिका में खाते हैं, जापान में खाते हैं,
चाइना में खाते, सब जगह खाते हैं। अगर हमने यहां पे बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जाल बिछा दिया, सिनेमा हॉल से हम पॉपकॉर्न को निकालकर मखाना अंदर डाल देंगे, पूरी दुनिया में जो आज लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कल पूर्णिया का, बिहार का मखाना लोग खाएंगे। आप आलू उगाते हो, टमाटर उगाते हो, सोयाबीन का सोयाबीन उगाते हो, और फिर आप लेकर मखाना हो, टमाटर हो, आलू हो, आप लेकर बेचने जाते हो। जब आप बेचने जाते हो, आपको कहा जाता है भैया आपने मेहनत की मगर सही दाम आपको हम नहीं देने वाले, पैसा तो हम बुलाएंगे, आप दिन भर काम करो, चौकीदार तो हमारा है, चौकीदार तो हमारा है, आप दिन भर काम करो, चौकीदार हमारी मदद करेगा और हम बनाएंगे पैसा। मैं चाहता हूं कि आपके खेत के बिल्कुल पास अगर आप आलू उगाते हो तो चिप्स का कारखाना, अगर आप टमाटर उगाते हो तो टमाटर के चिप्स का कारखाना, अगर आप मखाना लेते हो तो मखाना को प्रोसेस करने का कारखाना, और फिर कारखाने किससे, चौड़ी सड़क जो बिहार से पूर्णिया से बागी देश तक जाए, कि आप अपना मखाना, आप अपना टमाटो केचप, आप अपना चिप्स का पैकेट यहां से सीधा भेजो हिंदुस्तान और बाकी दुनिया में भेजो, और आपकी जेब में पैसा आए। और नरेंद्र मोदी चाहता है कि हिंदुस्तान का किसान, अच्छा आलू का क्या दाम है आज, 200 क्या दाम है आलू का, वो चाहता है, नरेंद्र मोदी चाहता है कि आप, नहीं किसान कितने के लिए बेच रहा है, किसान आलू को 5 रुपए के लिए बेच रहा है, ठीक है, नरेंद्र मोदी चाहता है कि किसान 5 रुपए के लिए आलू को बेचे, और बेचने के एकदम बाद वो दुकान में जाए और जो आलू उसने 5 रुपए किलो में बेचा वही आलू, एक आलू चिप्स के पैकेट में ₹15 के लिए खरीदे, और फिर वो देखे और वो अपने आप से सवाल पूछे कि भैया ये बात क्या हुई, मैंने आलू 5 रुपए के लिए बेचा और 15 रुपए के लिए मैं आधा आलू खरीदा, तो मेरा कहना है चाहे वो मक्का हो, चाहे वो मखाना हो, इसको प्रोसेस करने की फैक्ट्री आपके बिल्कुल पास लगनी चाहिए। और उस फैक्ट्री में किसान को सही दाम मिलना चाहिए। मगर एक बात है, देखिए इस चुनाव में जो चौकीदार है ना, अमीरों के चौकीदार, उनको परे करना है। नरेंद्र मोदी ने आपसे सिर्फ झूठे वादे किए हैं, उनको इस बार आप परे कीजिए। गठबंधन की यहां पे जीत होनी चाहिए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप में बहुत जोश है, आप पोलिंग बूथ पे लड़िए, विचारधारा की लड़ाई है। देखिए दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हम, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं, उसमें गरीब हो अमीर हो सब मिलकर
सब मिलकर प्रगति की बात करें, भाईचारे की बात करें, प्यार से रहें और फायदा 15-20 लोगों को नहीं मिलना चाहिए, फायदा गरीबों को मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, छोटे दुकानदारों को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। सही बात बोली तो यहां आप पूरा दम लगा के गठबंधन को जितवाइए, दिल्ली में सरकार बनवाइए। आखिरी बात देखिए, आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत फैलाने से किसी को फायदा नहीं होगा। यह देश सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, इसमें अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग भाषाएं हैं, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी प्रगति होने वाली है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।